किसान भाइयों नमस्कार, मैं किन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, वर्तमान समय में वैज्ञानिक खेती करने की वजह से हर फसल की पैदावार में भारी वृद्धि हुई है। उसी क्रम में सरसों की पैदावार भी काफ़ी बढ़ी है, जिसका मुख्य कारण है बढ़िया हाइब्रिड किस्में। आज के समय में बाज़ार में ऐसी भी हाइब्रिड सरसों की किस्में मिल जाएंगी जो सरसों की प्रति एकड़ 14 से 15 क्विंटल तक की पैदावार देने में सक्षम है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सरसों की एक बेस्ट हाइब्रिड किस्म के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है स्टार 1015। यह पैदावार में बेजोड़ है और इसमें 13% भी लगभग 43% तक है। हाइब्रिड सरसों स्टार 1015 के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर जरूर करें। किसान भाइयों, स्टार 1015 सरसों की एक बेहतरीन हाइब्रिड किस्म है। यह स्टार एग्री सीड जैसी अच्छी कंपनी का बीज है। इसकी बुआई हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में कर सकते हैं। स्टार 1015 125 से 130 दिन की अवधि में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इस किस्म की बुआई हम अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरू कर सकते हैं। इसके पौधे की औसत ऊंचाई 140 से 160 सेंटीमीटर तक होती है। पौधे की हाइट सामान्य और पौधा तने का मजबूत होने के कारण विपरीत मौसम होने पर भी फसल गिरने की समस्या नहीं आती है। फलियों के वजन से पौधा थोड़ा झुक जरूर जाता है, लेकिन गिरता नहीं है बल्कि आसानी से खड़ा रहता है। इसके पौधे में नीचे से ही शाखाओं का फुटाव शुरू हो जाता है। इसके हर पौधे से अधिक शाखाओं का फुटाव भी होता है। शाखाओं पर फलियाँ पास पास और फलियों का छिलका सख्त होता है। सख्त छिलका होने के कारण फसल अधिक पकने पर भी फलियां तिरकती नहीं हैं, जिससे दाना झड़ने जैसी समस्या नहीं आती है। प्रति फली में दानों की संख्या 22 से 24 तक होती है। फली की लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर तक होती है। दाने मोटे, सुडौल, चमकदार और वजनदार होते हैं। दानों में तेल का प्रतिशत 42 से 43% तक होता है, जो एक बहुत अच्छी मात्रा है। यदि आप सरसों की फसल को उचित मात्रा में सल्फर देते हैं तो दानों में तेल का प्रतिशत और अधिक हो जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात है बुआई के लिए देसी किस्मों की अपेक्षा बीज कम लगता है, बीज का जमाव भी जल्दी होता है और फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है। स्टार 1015 में पाला सहन करने की क्षमता अन्य किस्मों की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें व्हाइट रस्ट और डाउनी मिल्डू जैसी गंभीर बीमारी आने की संभावना नहीं के बराबर होती है, क्योंकि यह इन दोनों बीमारियों के लिए भी सहनशील है। यदि किसी फफूंदनाशी से इसके बीज को उपचारित करके बुआई किया जाए तो मृदा जनित एवं वायु जनित बीमारी आने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। सिंचाई की बात करें तो इसमें केवल 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 दिन बाद यानी शाखा बनते समय और दूसरी सिंचाई बुआई के 60 दिन बाद यानी फलियां बनते समय करनी चाहिए। यदि किसी कारणवश 2 सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो केवल 1 सिंचाई बुआई के 30 दिन बाद करके भी सरसों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। 1 सिंचाई कम होने पर भी फसल की ग्रोथ एवं पैदावार में कोई कमी नहीं आती है। प्रति एकड़ पैदावार की बात करें तो स्टार 1015 प्रति एकड़ 14 से 15 क्विंटल तक सरसों की पैदावार देने में सक्षम है, जो एक सरसों की बहुत अच्छी पैदावार है। इससे अच्छी पैदावार शायद ही कोई हाइब्रिड किस्म हो जो दे सके। किसान भाइयों, स्टार एग्री सीड्स कंपनी का हाइब्रिड सरसों स्टार 1015 वाकई में एक बेहतरीन सरसों की किस्म है। अपनी पैदावार और तेल की मात्रा की वजह से 2 से 3 वर्ष में ही किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो गया है। यदि सरसों की अधिक पैदावार चाहते हैं तो यह किस्म आपके लिए बढ़िया साबित होगी। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।